नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। अगर आप किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या किडनी डाइट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, साथ ही डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो और आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि डेली ब्रेकफास्ट में जौ के सेवन से किडनी की पथरी से कैसे बचा जा सकता है। जब यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट या अन्य क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तब किडनी में हार्ट प्रोडक्ट बनने लगते हैं। इसी को किडनी स्टोन कहा जाता है। किडनी स्टोन की बीमारी से बचने के लिए डाइट प्लान में कुछ चेंजेस जरूरी हैं। अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको जौ को अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जौ के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जौ में फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और यह गॉल ब्लैडर में पथरी होने से भी बचाता है। जौ में जो फाइबर होता है वह इंसॉल्यूबल होता है और यही फाइबर गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं होने देता। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जौ की वजह से हार्ट संबंधित बीमारियां और पथरी नहीं होती है। यह आपके किडनी स्टोन को ख़त्म करने में मदद करता है। इसके लिए आप जौ को जलाकर उसकी राख का सेवन 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर कर सकते हैं। यह आपके किडनी में बन रहे स्टोन को तोड़कर उसको यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। सेकंड है, जौ में बीटा ग्लूकेन होता है जो सॉल्यूबल फाइबर होता है। ऐसे फाइबर इंटेस्टाइन में जाकर पाचन की प्रक्रिया और एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट लंबे समय तक भरा भरा रहता है और भूख भी नहीं लगती। इसलिए जौ वजन घटाने में भी मदद करता है। जौ का पानी वजन कम करने में भी मदद करता है। थर्ड है, जौ इंटेस्टाइन के अंदर प्रीवोटेला नाम का बैक्टीरिया की संख्या में इजाफा करने में मदद करता है। यह बैक्टीरिया ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। फोर्थ है, एक स्टडी के अनुसार जौ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। जौ में मौजूद बीटा ग्लूकेन बाइल एसिड्स के साथ जुड़ जाता है और खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हमारी बॉडी इन कोलेस्ट्रॉल के जरिए प्रोड्यूस हुए बाइल एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती है। ऐसी स्थिति में लीवर नया बाइल एसिड बनाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करता है। इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। लास्ट है, जौ का पानी भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जौ में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मालीबेडनम, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। जौ को पानी में उबालकर पीने से किडनी संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब हम आपको कुछ फूड प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिनका खास ध्यान रखना चाहिए, जो पेशेंट को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। फर्स्ट है, पेशेंट हाई ऑक्सलेट फूड प्रोडक्ट से बचें, क्योंकि ये हाई ऑक्सलेट फूड प्रोडक्ट किडनी स्टोन को बढ़ा सकते हैं। यदि आप पहले से ही किडनी स्टोन के पेशेंट हैं तो आप अपने फूड डाइट से ऑक्सलेट को पूरी तरह से कम या खत्म कर दें। यदि आप किडनी स्टोन से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हाई ऑक्सलेट फूड प्रोडक्ट से बचना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट, बीट्स, नट्स, टी, स्पिनच, स्विस चार्ड और स्वीट पोटैटो के इंटेक को कम कर देना चाहिए। सेकेंड है, ध्यान रखें कि नमक का इंटेक लिमिटेड अमाउंट में ही करें, क्योंकि बॉडी में हाई सोडियम का लेवल यूरिन में कैल्शियम बिल्डअप को बढ़ावा दे सकता है। खाने में नमक के सेवन से बचें और कैंड फूड प्रोडक्ट के लेवल को जांच लें कि उनमें कितना सोडियम है। कम सोडियम वाले फूड प्रोडक्ट ही चुनें। थर्ड है, यूरिक एसिड स्टोन से बचने के लिए आपको कुछ फूड प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। कुछ फूड प्रोडक्ट हैं जिससे यूरिक एसिड स्टोन बढ़ सकता है, इसलिए उन्हें कम कर लेना चाहिए, जैसे कि स्वीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, सेम, मटर, मसूर की दाल, सब्जियों में फूलगोभी, बैंगन, पालक, मशरूम और सीताफल। साथ ही अगर फ्रूट्स की बात करें तो चीकू को ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेज में मीट, चिकन, फिश और एग के इंटेक को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ है, ऐसे पेशेंट को एनिमल प्रोटीन प्रोडक्ट से भी बचना चाहिए, जैसे कि रेड मीट, पॉक, चिकन, फिश और एग्स, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। हाई अमाउंट में प्रोटीन खाने से यूरिन में साइट्रेट भी कम हो जाता है। साइट्रेट का काम किडनी में स्टोन को बनाने से रोकना होता है। लास्ट है, लिक्विड जिसे किडनी पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बचें। कोला में हाई फॉस्फेट पाया जाता है। जो आपकी किडनी में स्टोन बनता है, इसी तरह चीनी के इंटेक को कम कर देना चाहिए। कुछ फूड प्रोडक्ट हैं जिनका इंटेक आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कॉर्न सिरप, क्रिस्टलाइज्ड फ्रुक्टस, हनी, एगावे नेक्टर, ब्राउन राइस सिरप एंड केन शुगर। किसी फूड को लिमिटेड करना इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की किडनी में किस तरह का स्टोन है। तो आज हमने आपको बताया डेली ब्रेकफास्ट में जौ खाने से किडनी पथरी से कैसे बचा जा सकता है।
अगर आप इससे रिलेटेड या किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज किया जाता है। कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सरिता, कहाँ के रहने वाले? मादीपुर। मादीपुर दिल्ली में? हाँ जी। जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सर मेरे को बहुत दिक्कत थी, मतलब खाना पीना भी नहीं खाया जाता था, करवट भी ली जा पाती थी, परेशानी थी, स्वेलिंग रहती थी। अब मुझे काफी आराम है सर की दवाइयों से। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मैं सर से ये कहती हूँ हर कोई सर के यहाँ से ठीक होके जाए। आपको यहाँ का कैसे पता चला था? मैंने साधना टीवी पे आपका चैनल वो देखा था प्रोग्राम, तभी मैं देखते ही तुरंत आ गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो जब आए थे तब आपका तम्य और अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हाँ जी, बहुत आराम है सर। मैं तो यही कह रही हूँ हर कोई आपके यहाँ आए, अपना इलाज कराए, हंसते हंसते जाए, कोई टेंशन ना ले, जैसे कि मैं टेंशन में थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब ठीक है? हाँ जी, खुश हैं। मैं अपने बच्चों के लिए आपने मुझे ठीक करा, मेरी इनको अब भी जरूरत है, बाद में भी जरूरत है, दो बेटियां हैं मेरे साथ। बस आपके नहीं सर, दिल से आपका धन्यवाद कर रहे, पैसे का दुख नहीं है, बस मेरी जिंदगी मिल गई, मुझे बहुत बड़ी खुशी है मुझे सर। देखिए, अभी जो क्रिएटिनिन इनका है 8/8/2018, स्पेक्ट्रम इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से इन्होंने कराया है और ये नई दिल्ली से इन्होंने रिपोर्ट कराई है। क्रिएटिनिन इन्होंने 0.75 क्रिएटिनिन लेवल हो चुका है इनका, 0.75 यूरिया हो चुका है, 18.29 यूरिक एसिड, 3.75 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, 13.5 कैल्शियम, 8.9 सोडियम, 138.5 पोटेशियम, 4.10 सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज है। एक सिंगल पैरामीटर नहीं है जो आउट ऑफ द रेंज हो। केएफटी के सारे पैरामीटर इनके नॉर्मल हो चुके हैं। तो सरिता जी आई थी बड़ी तकलीफ में, दे बड़ी तकलीफ में थे सर। हम आज सही में मेरे को उम्मीद है मैं अच्छा पैर सकती हूँ, टेंशन फ्री अच्छा खा सकती हूँ। नहीं, टेंशन में मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं वो दिन अच्छा मानती हूँ जो मैंने टीवी ऑन करा और सर का प्रोग्राम देखा, और आज मैं बहुत खुश हूँ सर के यहाँ से, सभी खुश हूँ। ये रिपोर्ट सर, बार बार और भी कोई होगा तो मैं लाऊंगी आपके पास, वो भी खुश हो बेचारा जिंदगी में। बस यही सर, ऑपरेशन से बच जाए बंदा, यही सबसे बड़ी बात है। मैंने ऑपरेशन कराया था तभी भी मुझे कोई आराम नहीं आया, लेकिन यहाँ 2 महीने की दवाई से मुझे मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है। अभी सब चीजें इनकी नॉर्मल हो चुकी है, पूरा केएफटी नॉर्मल है, क्रिएटिनिन यूरिया सब चीजें नॉर्मल हो चुकी है। स्टोन भी था इनकी किडनी में और अब स्टोन जो है वो भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इन्होंने कराई और केएफटी भी प्रॉपरली नॉर्मल हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205001124644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।